अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर्ड एकेडमी गुजर खान। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है और रिसेंट लेक्चर्स में भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्कस करते आ रहे हैं और उनसे जो रेलिवेंट रूल्स हैं हमने वो डिस्कस किए, रूल्स फॉर डिसाइडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फाइनल रिजल्ट, उन्हीं को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हम सिग्निफिकेंट फिगर्स से रेलिवेंट अपना टॉपिक जो है उसको क्लोज करेंगे। तो लेक्चर नंबर 9 है आज का हमारा और हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर डिसाइडिंग सिग्निफिकेंट फिगर इन द फाइनल रिजल्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा सेकंड रूल है, मेन रूल, कि अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो किस में आएगा। तो आपके लिए एक एग्जांपल है, आपके पास 5.348 × −2, 3.64 × 10⁴ एंड 1.336। अब आप इस नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आपका आंसर किस में आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा या इसमें आएगा। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। इसमें कितने हैं? 4। और इसमें कितने हैं? 3। तो इसका आंसर ये है कि जिसमें आपके सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, यानी 3.64। ये देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3.64। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3, क्योंकि 8⁴ जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आती। ये हमारा एक रूल दिया गया था, तो ये मैं आपको पहले बता दूं कि जब आपका इस तरह कोई नंबर आता है साइंटिफिक नोटेशन में, वो 7 पावर आती है, तो ये पावर सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं होती। ठीक है, तो 3.64 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये सबसे लीस्ट एक्यूरेट है, तो आपका आंसर इसमें आएगा। तो अगर मैं इसके मुताबिक इसका आंसर लिखता हूँ तो आंसर क्या आएगा, आपका आंसर यहाँ तक आएगा। और राउंडिंग ऑफ के रूल्स के मुताबिक 5 के बाद 7 आ रहा है, 7 क्या है? ग्रेटर देन 5। राउंडिंग ऑफ के रूल्स भी आज हम सीखेंगे, तो 7 ग्रेटर देन 5 का, तो हम रिसेंट डिजिट को इसको हम एक इंक्रीज कर देंगे, सो दिस वुड बी 1.46 × 10³। ये आपका आंसर आ जाएगा इन एक्यूरेट सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद नेक्स्ट रूल ये है कि अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर दें तो तब सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे डील करेंगे। तो यहाँ पे याद रखें स्टूडेंट्स, जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होते। इस केस में आप ये देखते हैं कि इन डेसिमल प्लेसेस यानी पॉइंट के बाद आपके कम से कम डिजिट्स किस में आ रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे पास 3 वैल्यूज है एग्जाम्पल के तौर पर, और जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है वो किस में आ रही है, 72.1। इनिशियली आप इनको ऐड करते हैं तो आंसर आता है 75.523 मीटर या सेंटीमीटर, कोई भी यूनिट हो सकता है। फिर जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे 75.5, तो आप डेसिमल प्लेस में एक डिजिट तक आंसर इस पर लेके आएंगे, क्योंकि जो लीस्ट यानी स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है वो किस में है, 72.1। आई होप दैट दिस आपको क्लियर होंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने सीखेंगे आज जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसी के अंदर सब टॉपिक है रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। तो आप ये देखेंगे कि जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो कौन कौन से रूल्स हमारे पास होते हैं। इसमें सबसे पहला रूल है कि इफ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप इज लेस देन 5 देन द लास्ट डिजिट शुड रिमेन अनचेंज। अगर आपका फर्स्ट डिजिट जिसको आप ड्रॉप कर रहे हैं, ये लास्ट डिजिट पे फोकस करें। अगर मेरे पास ये एक नंबर है फॉर एग्जांपल डेसिमल में 4.34, अब इसमें ये जिसको मैंने ड्रॉप करना है इसको हम कहेंगे फर्स्ट डिजिट टू बी ड्रॉप, और जो रिसेंट डिजिट होगा इससे पिछला जिसको हमने रिटेन रखना है ये लास्ट डिजिट टू बी रिटेन। तो मैं कह रहा हूं कि अगर द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप इज लेस देन 5, यानी अगर ये फर्स्ट डिजिट ड्रॉप लेस देन 5 है तो लास्ट डिजिट को हम क्या करेंगे, शुड रिमेन अनचेंज, इसको चेंज नहीं करेंगे, सो दिस वुड बी 4.3। अगला ये है पॉइंट आपकी बुक में लिखा हुआ है, इफ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप इज मोर देन, ऐसे जगह क्या लिखेंगे, मोर देन 5, देन द लास्ट डिजिट शुड बी इंक्रीज बाय 1। इसको हम इंक्रीज करेंगे, अब यहां पे एग्जांपल देखें 4.36, अब यहां पे आपका फर्स्ट डिजिट जो आपके ड्रॉप कर रहे हैं वो 6 है और लास्ट डिजिट क्या है 3, तो आप इसको राउंड ऑफ करेंगे, इसको वन इंक्रीज करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल, तो ये आ जाएगा 4.4। इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 4.4। और इसके बाद हमारे पास ये भी रूल है कि अगर इफ द फर्स्ट डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 है तो फिर आप क्या करेंगे, यानी यहां पे आपका 5 आ जाता है तो फिर क्या करेंगे। अब आपके पास स्टूडेंट्स दो रूल होते हैं, सबसे पहला ये है कि अगर आपका डिजिट टू बी ड्रॉप 5 है और आपका
जो फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट है इसको आप रिटेन कर रहे हैं, ऑड है, तो फिर आप क्या करेंगे, इसको एक इंक्रीज कर देंगे। लेकिन अगर आपका फर्स्ट डिजिट टू बी ड्रॉप 5 है और इससे पिछला डिजिट इसको रिटेन करना है वो इवन है, तो आप इसको एज इट रखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स रिलेवेंट एग्जांपल्स आपकी बुक में गिवन है, इसको प्रैक्टिस करने से इसलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हमारा सिग्निफिकेंट फिगर क्लोज हुआ। अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल को इसी तरह लाइक और सब्सक्राइब कर देने ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज मिलती रहे। तब तक अल्लाह हाफिज़।